दोस्तों आज मेरे पास पांच अलग अलग तरीके के मोबाइल लेंसेस हैं जो कि अपनी अपनी कैटेगरी का सबसे बेस्ट लेंस है। यानी कि जो टेलीफोटो लेंस है वो टेलीफोटो का सबसे बेस्ट लेंस है, जो मैक्रो है वो मैक्रो का सबसे बेस्ट लेंस है, और जो वाइड एंगल है वो वाइड एंगल का सबसे बेस्ट लेंस है। इस तरीके से बहुत सारे लेंसेस इस्तेमाल करने के बाद फाइनली ये पांच बेस्ट लेंस मैंने आप लोगों के लिए शॉर्टलिस्ट करे हैं, जो कि आपको अपने फोन से बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी में फोटो वीडियो कैप्चर करके दे सकता है। सभी लेंसेस को एक एक करके टेस्ट करेंगे, बट सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ मेरे पास क्या कुछ लेंसेस है, उसके बाद इनको टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो है निसी का ये सिनेमा किट, जो कि सिनेमाटोग्राफी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट ये है एपेक्सल का 60x सुपर टेलीफोटो लेंस, जिससे कि हम बर्ड फोटोग्राफी या फिर पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर सकते हैं। फिर आता है स्काईबिक का सिग्नी 12mm का फिशाई लेंस, इसका हम इस्तेमाल करेंगे ब्लॉगिंग करने के लिए या फिर लेंस का फोटो वीडियोस कैप्चर करने के लिए। नेक्स्ट मेरा खुद का ब्रांड प्रज्यूमर इंडिया का निकॉन L810 मोबाइल मैक्रो लेंस, इसका इस्तेमाल हम करेंगे क्लोजअप फोटोग्राफी के लिए। और आखिर में ये है एडकॉम का 1.33x एनामॉर्फिक लेंस, इसका इस्तेमाल किया जाता है सिनेमेटिक वीडियो शूट करने के लिए। तो ये पांच लेंस है मेरे पास, अब इनको एक एक करके टेस्ट करते हैं। ऑलराइट, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट लेंस, जो कि है स्काईविक का सिग्नी 12mm का फिशाई लेंस। इस वाले केस के अंदर लेंस आता है, इसको ओपन करते हैं। बाय द वे बहुत बढ़िया पैकेजिंग करी है स्काईविक ने। सो दिस वन इज द लेंस, सामने की तरफ एक लेंस कैप है, इसको ओपन करके जो लेंस है उसको हम अपने फोन की मेन प्राइमरी कैमरे के ऊपर क्लिप कर देंगे। अब आपका सवाल हो सकता है कि हर एक फोन में वाइड एंगल कैमरा आता है, तो इस वाले लेंस को यूज करने का फायदा क्या है? वेल देखो, जो वाइड एंगल कैमरा होता है फोन का वो मोस्टली 5 या 8 मेगापिक्सल का होता है, बट जो आपके फोन का मेन कैमरा होता है वो 48 या फिर 64 मेगापिक्सल का होता है। तो इस वाले लेंस को मेन प्राइमरी कैमरे के ऊपर क्लिप करते हुए आप अपने मेन प्राइमरी कैमरे को 48 या फिर 64 मेगापिक्सल के कैमरे को वाइड एंगल में इस्तेमाल कर सकते हो। ये बहुत ज्यादा वाइड एरिया कैप्चर करता है, जिससे कि आप काफी शानदार ब्लॉगिंग कर सकते हो। आप देख सकते हो मैं अपने आप को साथ ही साथ अपने आसपास के पूरे एरिया को कैप्चर कर पा रहा हूं। तो इस वाले लेंस को इस्तेमाल करते हुए अपने फोन से काफी शानदार ब्लॉगिंग में कर सकता हूं। साथ ही साथ ये जो लेंस है इसको इस्तेमाल करते हुए बहुत ही शानदार तरीके के लेंस के फोटोग्राफी या फिर लेंस के वीडियोस कैप्चर किया जा सकता है। आप जो ट्रैवल करते हो वैसे ट्रैवल वीडियोस या फिर ब्लॉगिंग वीडियोस आप काफी शानदार तरीके से इस लेंस को इस्तेमाल करते हुए शूट कर सकते हो, एकदम हाईएस्ट क्वालिटी में। ये कुछ सैंपल फोटो एंड वीडियोस आप देखो जो मैंने इस लेंस को इस्तेमाल करते हुए कैप्चर करे। इस वाले लेंस को चूज करने का सबसे मेन रीजन है, इस लेंस में कोई डिस्टॉर्शन या ब्लरी एज जैसा इशू नहीं है। आपका जो फोटो एंड वीडियो है वो पूरा एकदम शार्प एंड क्लियर कैप्चर होता है, और एकदम हाई क्वालिटी में 4K रिजोल्यूशन में आप अपने फोटो वीडियोस को शूट कर पाते हो। अगर आप इस लेंस को खरीदना चाहो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको लिंक मिल जाएगा। सेकंड लेंस है एक टेलीफोटो लेंस, जो कि है एपेक्सल का 60x सुपर टेलीफोटो लेंस। टेलीफोटो लेंस यानी कि जूम लेंस, जिससे कि हम दूर की चीजों की फोटो कैप्चर कर सकते हैं। आप देख सकते हो साइज में बहुत ज्यादा बड़ा है ये लेंस, बिकॉज इसका मैग्निफिकेशन भी बहुत ज्यादा है, जो कि है 60x का। और ये जो लेंस है ये पूरा मेटल से बना है। लेंस के सामने की तरफ ये एक रिंग है, जो कि एक मैनुअल फोकस रिंग है। आप एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर मैनुअली फोकस करने के लिए इस रिंग का इस्तेमाल करेंगे। इसको हैंड हेल्ड यूज करना थोड़ा मुश्किल है, तो उसके लिए हम फोन को सबसे पहले इसके ऊपर अटैच कर देंगे। फिर जो लेंस है उसको हम ट्राइपॉड के ऊपर माउंट करते हुए इस्तेमाल करेंगे। सेटअप होने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखता है। आप इससे फोटो वीडियो कैप्चर करके देखते हैं किस क्वालिटी में ये फोटो वीडियो कैप्चर कर पाता है। उधर सामने एक पपाया पेड़ है, आई एम नॉट श्योर आप पेड़ को देख सकते हो कि नहीं, बट इस लेंस के थ्रू पेड़ तो पेड़ में जो फल लगे हुए है उसको भी हम क्लियरली देख सकते हैं। आप देख सकते हो बहुत दूर की चीजें हैं, बट उसको एकदम क्लियरली इस लेंस के थ्रू हम देख सकते हैं। इस लेंस में सामने ये जो रिंग है ये एक मैनुअल फोकस रिंग है, इसके मदद से हम फोकस को मैनुअली पास या फिर दूर लेकर के जा सकते हैं, और किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करते हुए इसके बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं। सो ये रहा पिक्चर आउटपुट पिक्चर क्वालिटी। ये फोटो आप देखो, उसके अलावा कुछ और फोटोज आप देखिए जो मैंने इस लेंस से कैप्चर करे हैं। ना दोस्तों, जूम लेंसेज जो कि होते हैं फोटो के क्वालिटी को थोड़ा खराब करता है। फोटो का शार्पनेस थोड़ा कम मिलता है आपको, साथ ही साथ कॉन्ट्रास्ट भी थोड़ा कम देखने को मिलता है। बट एपेक्सल का 60x सुपर टेलीफोटो जो लेंस है ये मार्केट में अवेलेबल कोई भी अदर टेलीफोटो लेंस से सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का है। आप कोई भी अदर टेलीफोटो लेंसेज को देख लो, उनके साथ कंपेयर करो, ये आपको सबसे हाईएस्ट क्वालिटी में फोटो वीडियो कैप्चर करके दे सकता है। इससे अच्छी क्वालिटी का टेलीफोटो लेंस आज के दिन में इंडियन मार्केट पर आपको नहीं मिलेगा। थर्ड लेंस है हमारा एक एनामॉर्फिक लेंस, जो कि है एडकॉम का 1.33x का एनामॉर्फिक लेंस। इस वाले केस के अंदर लेंस आता है, इसको ओपन करते हैं। सो दिस वन इज द लेंस, स्क्वायर शेप का लेंस है जो कि यूनिवर्सल क्लिप के साथ आता है। इसको हम सिंपली अपने फोन के ऊपर क्लिप कर देंगे कुछ इस तरीके से।
एनामोर्फिक लेंस का इस्तेमाल किया जाता है सिनेमाटोग्राफी में। जब आप इस लेंस को लगाकर अपने कैमरे से वीडियो शूट करने की कोशिश करेंगे तो आप देखोगे कि आपका जो वीडियो है ऊपर की तरफ स्ट्रेच हो रहा है, यानी कि वीडियो लंबा दिख रहा है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, फिल्मिक प्रो नाम के इस वाले एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना है। ऐप के अंदर हार्डवेयर में आपको एनामोर्फिक लेंस 1.33x का ऑप्शन दिखाई देगा, उसको आपको ऑन कर देना है। उसके बाद आपका जो वीडियो स्ट्रेच हो रहा था वो स्क्वीज हो जाएगा और स्क्वीज होकर सिनेमेटिक वाइड स्क्रीन में आपका वीडियो आ जाएगा, यानी कि 21:9 के सिनेमेटिक फ्रेम में आप अपने वीडियो को शूट कर पाओगे। एनामोर्फिक लेंस का मेन काम यही है, ये आपके वीडियो को स्क्वीज कर देता है जिससे कि आप सिनेमेटिक फ्रेम में वीडियो शूट कर पाते हो और आपके वीडियो की ऊपर और नीचे की तरफ सिनेमेटिक ब्लैक बर्स आ जाता है जो कि आपके वीडियो को सिनेमेटिक लुक देता है। उसके अलावा और एक काम है इसका, अगर आपके वीडियो में कोई बैकलाइट होगा तो इस लेंस से जब आप वीडियो शूट करेंगे तो आपके वीडियो में एक ब्लू स्ट्रिक लाइटिंग इफेक्ट दिखाई देगा कुछ इस तरीके का, जो कि काफी कूल दिखता है। खास करके म्यूजिक वीडियोज में इस तरीके के इफेक्ट्स आपने देखे होंगे जो कि इस लेंस को इस्तेमाल करते हुए आप क्रिएट कर सकते हो। तो इस लेंस का मेन काम है वीडियो में ब्लैक बर ऐड करना, जिसके लिए इतना ज्यादा एक्सपेंसिव लेंस खरीदने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि वीडियो में ब्लैक बर तो आप एडिटिंग में भी डाल सकते हो। सो इतना ज्यादा एक्सपेंसिव लेंस खरीदने का कोई सेंस नहीं बनता है। बाकी अगर आप इसे खरीदना चाहो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर तो आपको लिंक मिल ही जाएगा, उधर से आप खरीद सकते हो। नंबर 4 पर आता है निसी की तरफ से निसी सिनेमा फिल्टर किट फॉर स्मार्टफोन। इस वाले केस में ये किट आता है जिसके अंदर की हमें 4 अलग अलग फिल्टर्स मिलते हैं और इन फिल्टर्स को फोन के साथ अटैच करने के लिए ये मोबाइल होल्डर मिल जाता है। सो इसको सबसे पहले हम अपने फोन के मेन कैमरे के ऊपर अटैच कर देंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद एक एक फिल्टर को हम अपने कैमरे के ऊपर कुछ इस तरीके से अटैच कर पाएंगे। सो इसमें टोटल 4 फिल्टर है अलग अलग तरीके के, जो कि अलग अलग सिचुएशंस में आप इस्तेमाल करने वाले हो। सबसे पहले है ND फिल्टर, जो कि कैमरे के अंदर आने वाली लाइट को कम कर देता है और आप 180 डिग्री शटर रूल को मेंटेन रखते हुए इवन एक्सट्रीम डे लाइट कंडीशन में भी सिनेमाटोग्राफी कर पाते हो। फिर आता है ब्लैक मिस्ट फिल्टर, जो कि आपके वीडियोस के हाईलाइट को डिफ्यूज करके एक सॉफ्ट मिस्ट इफेक्ट आपके वीडियो में देता है। बाकी ये 2 है स्ट्रिक लाइटिंग इफेक्ट फिल्टर, जो कि आपके वीडियो में कुछ इस तरीके के स्ट्रिक लाइटिंग इफेक्ट क्रिएट करके दे सकता है ब्लू या फिर ऑरेंज कलर में। इन फिल्टर्स को आप एक एक करके भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर एक साथ में 2 या फिर 3 फिल्टर भी इस्तेमाल कर सकते हो। इन फिल्टर्स को इस्तेमाल करते हुए आप काफी एडवांस और नेक्स्ट लेवल में सिनेमाटोग्राफी कर सकते हो अपने फोन से। मैं आप लोगों को इस फिल्टर्स के ऊपर जो मेरा डेडिकेटेड वीडियो है वो देखने रिकमेंड करूंगा, आप उसको देखकर इन फिल्टर्स को जो काम है उसको इजीली समझ सकते हो। 5th और लास्ट लेंस है हमारा मेरा खुद का ब्रांड प्रज्यूमर इंडिया का निकॉन LA10 मोबाइल मैक्रो लेंस। ये एक मैक्रो लेंस है जो कि सिर्फ और सिर्फ क्लोजअप फोटोग्राफी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस लेंस को यूनिवर्सल क्लिप की मदद से हम अपने फोन के मेन कैमरे के ऊपर क्लिप कर देंगे कुछ इस तरीके से, और क्लिप करने के बाद फोन का लुक देखो, काफी शानदार ये दिख रहा है बिकॉज लेंस का साइज काफी ज्यादा बड़ा है। ये वाला जो लेंस है ये बना है निकॉन के LA10 पॉइंट एंड शूट कैमरे के जूम यूनिट से। तो जो ग्लास है लेंस के अंदर वो बहुत ही हाई क्वालिटी का ग्लास है, जो कि आपको एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी में फोटो वीडियो कैप्चर करके दे सकता है। लेंस को फोन के ऊपर क्लिप करने के बाद आप देखोगे कि डिस्प्ले में एक सर्कल के अंदर सारी कुछ चीजें मेरे को दिख रहा है। तो यहाँ पर मेरे को डिस्प्ले में 2x जूम करना पड़ेगा, उसके बाद सारी कुछ चीजों को मैं फुल स्क्रीन में प्रीव्यू ले पाऊंगा। अब मार्केट में तो बहुत सारे मोबाइल मैक्रो लेंसेस है, इवन 200 रुपीज से भी मैक्रो लेंसेस स्टार्ट हो जाता है, तो मैं आपको यही वाला लेंस क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ। तो ये लेंस रिकमेंड करने का सबसे मेन रीजन है इसका ग्लास, जो कि निकॉन का ओरिजिनल ग्लास है, जो कि आपको एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी में फोटो कैप्चर करके दे सकता है। इस लेंस से कैप्चर की गई फोटो में आपको एक्सट्रीम शार्पनेस मिलेगा, साथ ही साथ जो बैकग्राउंड है वो एकदम डीपली ब्लर हो जाएगा। तो फोटो देखकर आप बिल्कुल भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो कि ये DSLR से कैप्चर किया गया मैक्रो फोटो है या फोन से कैप्चर किया गया मैक्रो फोटो है। ये कुछ और मैक्रो फोटोस आप देखो जो मैंने इसी वाले लेंस से कैप्चर करी है। सो दैट्स इट, यही रहा मेरा 5 बेस्ट मोबाइल कैमरा लेंस। आप मेरे को कमेंट करके बताओ इनमें से कौन सा लेंस आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। By the way, इन सभी लेंसेस के परचेस लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, उधर से आप इन्हें परचेस कर सकते हो। बाकी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा तो वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।